जस्ट लुक एट दिस माउंटेन रेंज। फाइनली आई रीच योर गाइस बेस। हालत बहुत खराब है, सर्दी, स्नीजिंग बहुत हो रहा है, नाक का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हवा लग रहा है, बोलने में नहीं हो। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम केरला। टाइम चेकिंग इज 5:30 इन द मॉर्निंग एंड बुरा लग रहा है बट ठीक है, निकलना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ टाइम एंड आई डोंट लाइक टू शूट वापस जाते टाइम। रिटर्न आते टाइम तो खुशी खुशी से आते हैं, बट रिटर्न जाते टाइम इट्स लाइक वेरी यू नो बैड मूड। तो अभी आई विल बी लीविंग एंड लेट्स सी रूट, इस जो रूट से आना चाहिए था उधर से वही रूट पकड़ रहा हूँ वापस। इट्स अ सिंपल रूट, टाइम शोज 9 hours 40 minutes, सो लेट्स सी। आई हैव रीच्ड समवेयर अराउंड कोल्लूर करके जगह है, त्रिशूर के इधर है। फ्रॉम हियर त्रिशूर इज़ लाइक 4 kilometers, सो आई जस्ट टुक अ ब्रेकफास्ट ब्रेक एंड यहाँ से अभी समवेयर अराउंड 435 kilometers बाकी है। तो या दैट्स द अपडेट एज ऑफ नाउ। अभी थोड़े आगे जाके आई विल फ्यूल अप, फुल टाइम करूँगा। जस्ट लुक एट दिस माउंटेन रेंज, बहुत अच्छा दिख रहा है। कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि आई डोंट नो, बट इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। साइली नेहाल, आई होप यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यहाँ तक। इसको देखे याद आया, जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग अ वीडियो। राइट नाउ आई रीच कोयम्बतूर फाइनली, 205 kilometers हैज बीन डन, मोर समथिंग अराउंड 320 kilometers बाकी है। रोड्स आर वेरी मच स्मूथ, सीधा सीधा रोड है, कोई कर्व्स नहीं, कुछ नहीं। आई वंडर काश आते टाइम भी यू नो सेम रोड मिलता, बट अब तक तो रोड्स आर फाइन। देखते आगे कैसे जाता है। द फ्यूल अपडेट इज राइट, मैंने ब्रेकफास्ट के बाद थोड़े आगे जाके फ्यूल अप किया था, फुल किया था। सो फ्यूल अप का हुआ था इतना 1105 हुआ था, तो फुल टैंक है। अभी देखते कहाँ तक है। राइट नाउ आई हैव रीच द आउटर साइड ऑफ द सेलम, ओके। उसके बाद द लास्ट ब्रेक के बाद मैं चलाते गया, रुका ही नहीं। स्ट्रेट रोड था, मैं सोचा रुकूंगा, बट वो किलोमीटर और वो टाइम देख के आई वॉज लाइक नहीं, थोड़ा और आगे। तो फाइनली आई रीच द आउटर साइड ऑफ द सेलम। तो सोचा आई विल हैव प्रोटीन ब्रेक एंड आई हैड अ कोल्ड कॉफ़ी बिकॉज इट्स टू मच हॉट हियर। तो कोल्ड कॉफ़ी पी लिया है, अभी प्रोटीन ब्रेक ले लिया है एंड मोर समवेयर अराउंड 170 kilometers टू गो। अच्छा स्पीड जा रहा है, एस्टिमेटेड टाइम इज समवेयर अराउंड 4 PM। तो या द स्पीड इज़ गोइंग गुड और अच्छा लग रहा है, रोड्स आर वेरी गुड। सो गाइस, प्रोटीन ब्रेक डन, कोल्ड कॉफ़ी पी लिया, अभी एस्टिमेटेड टाइम इज शोइंग समवेयर अराउंड 4:15 to 4:20 दिखा रहा है, बिकॉज ब्रेक थोड़ा ज़्यादा देर लिया था, थोड़ा रेस्ट ज़्यादा लिया। अभी 174 किलोमीटर ही है, देखता हूँ एट अ स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं, नहीं तो बीच में भी एक ब्रेक ले लूँगा शाम को। लास्ट का 47 किलोमीटर बचा है, बट मेरे को कोकोनट वाटर पीने का मन हुआ, सो आई जस्ट स्टॉप, आई हैड अ कोकोनट वाटर, थोड़ा हाइड्रेशन हो गया है।
जस्ट एन आवर लेफ्ट टू रीच। फाइनली आई हैव रीच योर गाइस बेसमेंट में अभी फिलहाल, थोड़ी देर बाद ऊपर जाऊँगा, फ्रेश हो जाऊँगा। सो द फ्यूल अपडेट इज लाइक, लास्ट का जो ब्रेक लिया था तो समवेयर अराउंड 45 किलोमीटर बचा था, तो रिजर्व पे गया था, तो उसको मैंने 500 का भर दिया है। फुल टैंक नहीं किया, 500 भरा है अभी भी। एंड अनदर थिंग इज, अगर ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो आई विल एंड दिस व्लॉग हियर, अगर इट इज़ यू नो शॉर्ट तो आई एम थिंकिंग कि मुंबई जाने का जो राइडिंग है 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज आई विल बी लिविंग फ्रॉम हियर, तो सोच रहा हूँ सब साथ, दोनों साथ में ही कर लूँ अगर ये वीडियो शॉर्ट हो रहा है तो। Hi guys, so it's after 2 days, it's a Saturday and I decided to you know combine both the journeys. हालत बहुत ख़राब है, सर्दी एंड ऑल है, इधर बहुत ठंडी है बैंगलोर में। 2 दिन से माई हेल्थ वॉज डाउन, अभी जाके थोड़ा ठीक हो गया, सो डिसाइडेड टू लीव टूडे। बाइक का अपडेट इज लाइक, मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचा नेक्स्ट डे आई showed it to one of the you know mechanic and oil change कर लिया है एंड few parts थोड़ा loose हुआ था उसको tight कर लिया है। मेन चीज़ तो oil change था, तो oil change कर लिया है। एंड फ्यूल का उस दिन जो भरा था अब तक है, अभी जब कम होगा तो आई जस्ट फुल टैंक इट। सो दैट्स द अपडेट ऑफ बाइक। एंड राइट नाउ द टाइम चेकिंग इज 9:30, 10 o'clock तक आई विल लीव। बहुत रात को निकलना सुबह निकलना सेम था, टाइमिंग इज शोइंग सेम। अभी सुबह निकला तो बाय टुमारो समवेयर अराउंड 7 o'clock तक पहुँचना चाहिए, पूरा ब्रेक ब्रिक सब मिला के। अपार्ट फ्रॉम ब्रेक इट्स शोइंग 18 hours, ब्रेक सब लेग ले के मेरे ख्याल से राउंड ऑफ 20 hours तो हो गए ऑलमोस्ट। सो लेट्स सी, बाहर का वेदर थोड़ा अभी धूप है इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग में नहीं निकला, क्योंकि ठंडी है यहाँ पे बहुत एंड माई हेल्थ का तो बहुत वो हुआ था। तो आई डिसाइडेड टू लीव बाय यू नो 10:11 जो मुंबई से निकला था सेम टाइम, क्योंकि कल सुबह आई विल रीच होम सेफली। सो लेट्स सी हाउ द राइड गोस। सेटअप सब कर लिया है, बांध लिया है एंड आई एम हिटिंग द रोड्स। मूड थोड़ा लो है बट देखते हैं रोड्स कैसे रहेंगे। राइट नाउ आई कवर्ड जस्ट 60 किलोमीटर और हालत बहुत ख़राब है, स्नीजिंग बहुत हो रहा है एंड नोज से सब ऐसा पैर है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ड्राइविंग में। तो आई जस्ट टुक अ ब्रेक, चाय पी लिया, थोड़ा गर्म चाय पिया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो हाउ द राइड इज गोना बी बट लेट्स सी, आई होप आगे अच्छा हो, बिकॉज इधर का धूप है बट हवा बहुत ठंडा ठंडा है। रीच काल कुंटे करके जगह था, तो 2:30 को वहाँ पे पहुँचा था एंड राइट नाउ इट्स 3 PM, तो थोड़ा एक हाफ एन आवर का ब्रेक ले लिया, 2 चाय पिया एंड आई हैड सम स्नैक्स। हैवी लंच ऐसा किया नहीं है, क्योंकि मैं लंच किया तो नींद आएगा मुझे पता है, तो थोड़ा स्नैक्स खाया और 2 चाय पिया गर्म चाय। थ्रोट में थोड़ा इचिंग हो रहा है इसलिए आई हैड टी। तो राइट नाउ अभी निकल रहा हूँ, सब खाया एंड फ्यूल अपडेट इज लाइक, फुल टैंक गया था बहुत पीछे तो उसका 1049 समथिंग हो गया। राइट नाउ आई रीच बेलगांव में, 500 किलोमीटर्स डन, मोर 525 किलोमीटर्स है। इधर भी एक हाफ एन आवर का ब्रेक लिया, टुक अ टी एंड एक ऑमलेट खाया, थोड़ा भूख लग रहा था तो ऑमलेट खाया। अभी इट्स जस्ट 7 PM और इतना अंधेरा हो गया, तो अभी इट स्टार्ट्स द नाइट ड्राइव, तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड फ्यूल का अपडेट है, मैंने फ्यूल अप कर लिया है तो वहाँ पे एक 1200 तक हो गया एंड यहाँ पे अभी थोड़ा स्नैक्स एंड आई हैड अ टी। आई ऑर्डर्ड दिस हॉट वाटर, मैं उसको बोला थोड़ा गर्म पानी देने के लिए, बिकॉज सोर थ्रोट ऐसे मुझे लग रहा है, थ्रोट में कुछ एक हो रहा है, सो आई एम हैविंग सम हॉट वाटर एंड उसके बाद मैं निकलेगा। एस्टिमेटेड टाइम इज शोइंग 5 AM इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी दिखा रहा है तो टाइम बहुत है, तो इसलिए ब्रेक थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ। सो गाइस राइट नाउ आई एम इन बेलगाम ओनली, यहाँ से कुछ समवेयर अराउंड 420 किलोमीटर्स है। हालत बहुत ख़राब है, नोज फ्लोइंग बहुत हो रहा है नाक से, नींद नहीं आ रहा है बट ये नाक का ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हवा लग रहा है और यू नो आई एम टाइप ऑफ पर्सन जो यू नो ठंडी ज़्यादा सूट नहीं होता है मेरे को, तो आई एम
लिटरली थैंकफुल कि ये जैकेट है मेरे पास. ये अगर जैकेट नहीं होता तो आई वुड हैव स्टेड समवेयर इधर बेलगाम में ही. ये जैकेट है इसलिए आई एम ट्रैवलिंग, नहीं तो आई एम श्योर आई वुड हैव स्टेड इन बेलगाम बिकॉज इतना ठंडी लग रहा है मुझे. सो गाइस मेरा बॉडी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, दैट्स व्हाई आई एम ट्रैवलिंग. आई डोंट नो आगे क्या होगा. 420 किलोमीटर्स है और जल्दी जल्दी निकल जाए तो ही बेटर है. ठंडी है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. बस राइट नाउ रीच किन्नी टोल प्लाजा कोल्हापुर के आगे है. महाराष्ट्र ऑफिशियली आई हैड क्रॉस्ड एट समवेयर अराउंड 10 PM एंड राइट नाउ इट्स पास 11 PM. फिर से ब्रेक लेने का सोचा, अभी और 348 समथिंग किलोमीटर बाकी है. तो फिर से एक तरह के बड़ा पाव खाया एक पहला एंड राइट नाउ फिर से टी. सो गाइस जस्ट अ क्विक अपडेट, मैंने रूम ले लिया एक बीच में, जस्ट 189 किलोमीटर बचा था. कुछ 4 hours का जर्नी था बट नहीं, बॉडी जस्ट बॉडी का भी कुछ इश्यू नहीं था बट डोज रनिंग डोज बहुत हो रहा था चलाते टाइम एंड ठंडी इतना है गाइस, मेरा हाथ पूरा फ्रोज हो गया है. मेरे को क्लच दबाने नहीं और इतना. मैं 12 o'clock से आई वॉज सर्चिंग द लॉज बोलने में नहीं. तो अभी जाके इट्स 3 AM इन द मॉर्निंग एंड एक मिल गया है रूम. नाउ आई विल बी रेस्टिंग हियर फॉर अ वाइल एंड कल सुबह ऑलमोस्ट आई गेस 6-7 o'clock तक निकलने का प्लान है. एज यू कैन सी ये बैग सब निकालना पड़ता है फिर वापस रखना पड़ता है, इसलिए मैं करता नहीं था बट दिस टाइम पूरा सर तक चढ़ गया था सर्दी. कुछ आगे का कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था तो कुछ रिस्क नहीं लेने का था. तो आई थॉट ऑफ टेकिंग अ रूम एंड रेस्टिंग. तो अभी रेस्ट करेंगे एंड कल सुबह देखता हूँ, फिलहाल सो जाऊँगा. सो अभी मैं सोने के लिए लेटा और मेरे को नींद नहीं आ रहा है. व्हेन आई वाज ड्राइविंग इतना मेरे को नींद आ रहा था, मेरा आँख भी सब बंद हो रहा था एंड द मोमेंट आई जस्ट स्लेप्ट बेड पे तो पूरा मेरा सिर पकड़ लिया है वो ठंडी की वजह से. जस्ट जैसे ही लेटा पूरा ऊपर आ गया पूरा सर पे. तो अभी हेडेक चालू हो गया थोड़ा. आई डोंट नो कब मैं सोऊंगा, कब उठूंगा, कब वापस निकलूंगा बिकॉज चेकआउट टाइम ही समवेयर अराउंड 9-10 कुछ तो है नीचे दिया था टाइम. कुछ समझ नहीं रहा था, इतना ठंडी हो गया है ये. मैं रुकने ही नहीं वाला था. माई बॉडी वॉज ऑल ओके, रनिंग नोस था और हवा बहुत चालू था एंड टेम्परेचर इज लाइक 16-17 डिग्री का है एंड मुझे ठंडी नहीं होता है सूट. तो आई जस्ट थॉट ऑफ छोड़ रेस्ट लेते. तो अभी देखते कब नींद आएगा. सो टाइम चेक इन इज 7:40 AM. फटाफट उठता हूँ और फ्रेश होता हूँ एंड मिलते. सो जो हो रहा था वो हो गया. राइट नाउ द टाइम इज लाइक 8 AM इन द मॉर्निंग. बाय दिस टाइम मुझे घर पे रहना चाहिए था बट सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसा था कि मुझे रेस्ट लेना पड़ा एंड सर दर्द थोड़ा कम हो गया एंड राइट नाउ मैं कल 4 बजे कुछ तो सोया मेरे ख्याल से 4 AM एंड नींद थोड़ा बहुत हो गया. आई होप अभी चलाऊंगा तो नींद ही आएगा. सेम दैट एस्टिमेटेड टाइम इज शोइंग 4 hours 15 minutes समथिंग. इनिशियली प्लान कुछ और था, सुबह सुबह जाऊंगा घर पे, मम्मी को मिलूंगा एंड अर्ली मॉर्निंग एंट्री. बट अभी पॉसिबल नहीं है, मम्मी जॉब को जाती है तो मैं दोपहर को पहुंचूंगा घर पे तो मॉम नहीं रहेगी. इट्स ओके, 4 को आ जाएंगे. तो राइट अभी फटाफट पैक करते एंड इसको बांधते एंड निकलते, ज़्यादा भी लेट नहीं करना है. गाइस अभी पुणे पहुंच गया है, ब्रेकफास्ट ब्रेक ले लिया है, बहुत अच्छा लगा कुछ खा के, पेट में कुछ गया तो अभी ठीक ठाक लग रहा है. स्टिल मेरा फ्रेंड रहता है इधर, बहुत खास दोस्त है, उसको मिलने नहीं हो रहा, इतना हालत थोड़ा ख़राब है. तो आई एम थिंकिंग कि जल्दी घर पहुँचूँ. अभी ब्रेक लेने का सोच नहीं रहा हूँ बट देखते 4 hours 15 minutes कुछ तो दिखा रहा है तो लेट्स सी. बस फाइनली आई रीच माय होम. नीचे पहुँचा है मैं. इधर सिलफाटा का रास्ता ठीक हो गया और अब तक डोंबिवली का मानपाड़ा का रास्ता ठीक नहीं हो गया. बारिश भी चला गया, अब तो रोड ठीक कर दो यार. फाइनली ये सोलो ट्रिप हो गया है मेरा.
एंड सेफली पहुँचा मैं एंड मेरा बाइक एंड आई एम डैम हैप्पी। ठीक है, थोड़ा कल का रेस्ट हो गया, रेस्ट उसके अलावा द राइड वॉज ऑसम। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट दैट लाइक बटन, अगर शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फ्री है यार वो बटन दबा दो और या दैट्स इट। सो आई वॉज गोइंग टू एंड दिस व्लॉग थोड़ा अलग वे में, बट वो नहीं हुआ थोड़ा टाइम स्पैन की वजह से, तो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर एंड आई एम एंडिंग दिस सोलो ट्रिप का व्लॉग फाइनली। नेक्स्ट व्लॉग में एक ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपेंस कितना हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या है मैं वो बोलूँगा, और उसके नेक्स्ट व्लॉग में इफ़ एवरीथिंग गोज वेल तो मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप ने फिर से ट्रैकिंग का चालू किया, तो अगर है सब लोग तो वो ट्रैक पे जाएंगे तो उसका व्लॉग होगा, बट एज ऑफ नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। जाके पूरा अभी रेस्ट करूँगा, सो जाऊँगा, शाम को मम्मी आएगी एंड सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट गाइस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग, एडियोस अमिगोस।